أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين ومن سن سنة حسنة الى يوم الدين اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع وقال النبي وقال تبارك وتعالى في موضع اخر وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم قابل صد احترام دايس برتشريف فرما حماري کے ميري كارما فزيلة الشيخ عبد الوهاب عبد العزيز جامعي حفظه الله ديجر فازل علماء كرام ज़ुम्मेदारा ने इज़ाम, बुज़ुर्गों राह हक़ के नौजवान साथियों दुखराने मिलतें इस्लामिया, परदा नशीन खवा इस्लामी माँ और बहनें, चमन रसालत के शाही सिफत परवानों वक्त मुख्तर है सिर्फ़ पच्चीस मिनट का टाइम मेरे पास है इस वक्त जो मुंतजिम ने दिया है और निकाह आसान बनाओ साढ़े चौदह सौ साल से जो निकाह की मजलिस मुनाकिद होते आ रही हैं किस अंदाज की हो रही हैं आज निका मिनसुन्नती पर किस तरीक़े से अमल हो रहा है मौजूदा हालात में उसकी कद्दाल क्या है बेतौफीक अल्लाह बताने की कोशिश करूँगा दुआ कीजिए अल्लाह मुझे हक़ कहने वाला आपको हक़ सुनने वाला अल्लाह मुझे और आपको हक़ पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए मेरे मोहतरम अल्लाह जज़ाए ख़ैर दें शहरी जमीत अहले हदीस बेंगलोर के रूहे रवा को और मस्जिद अबू बकर तआला तहु के ज़िम्मेदारों को यहाँ के उन नौजवानों को जिन्होंने इस वक्त के एक हसास मौजू निकाह आसान बनाए निकाह आसान न होने की बुनियाद पर तो परस्त भी कभी कभी मुशरिक बन रहे हैं कई वो बच्चियां जो 18-20 साल तक तोहद के सांचे में ढले रहते हैं नौजबिल्ला कुफर और शर के हवाले हो रही हैं दुनिया भी बर्बाद हो रही है और आखिरत भी बर्बाद हो रही है ऐसे हालात आज हैं अल्लाह जज़ाए खैर फरमाए शहरी जमीयत के जिम्मेदारान को मुकामी जमीयत के जिम्मेदारान को और सूबाई जमीयत के जिम्मेदारान को और आप सबको भी अल्लाह ताला हमारी और आप की काविशों को अपने फजल से कबूल फरमाए अल्लाह तबार को का फरमान है मैंने कुरान मजीद पारा नंबर चार सुर निसा की आयत नंबर तीन का इब्तदाई हिस्सा पढ़ा फन की तुम अपनी खुशी से निकाह कर लो जो तुम्हें अच्छे लगे दो तीन चार उसके बाद उसकी तफसीलात मौजूद हैं इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही काफी है और फिर सूरे नूर की आयत नंबर बत्तीस के हवाले से भी मैंने एक आयत शरीफा पढ़ा अल्लाह तरमाते व अन के उयाम अमिन कुम व सॉलहन अमिन इबादी कुम व इमाय कुम إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم الله تعالى پارا نمبر 18 سورة نور کے اندر آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں ان لوگوں کا نکاح کرا دو جو بے نکاح ہیں نیک ہیں اگر لونڈیاں اور غلام ہی کیوں نہ ہوں इन अगर वो फकीर हैं अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार बना देगा और अल्लाह उस वाला जानने वाला है आयत रब्बानी का सीधा साधा तर्जुमा आयत रब्बानी बताती है निकाह करना गोया अपने आप को मालदार बनाना है नबी करीम जनाब मोहम्मद अलैहि वसल्लम भी यही फरमाते हैं सलासुन हकल्ला खुश नसीब जिनके हक जिनकी मदद करने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक पर है उनमें अन्ना उनमेंदाफ निकाह करने वाला मर्द जिसकी जिसका मकसद है निकाह पाक दामन जिंदगी गुजारना है निकाह सिर्फ प्यारे नबी वसल्लम की ही सुन्नत नहीं है अल्लाह तबारक ने फरमाया, वलकद फरमा वलकदरसिन कबलिक वो जालना लहुमा जो वुर्रिया ए नबी वसल्लम सहकीक के हमने आपसे पहले जितने रसूल भेजे हर एक को बीवियों वाला और साहिब औलाद बना दिया है मेरे मोहतरम सीधा साधा मफूम निकाह से रिस्क की गारंटी निकाह से पाक दामन जिंदगी गुजारने के फ निकाह से मोहब्बत का सबूत निकाह से हकीकी मानों में सुकून का जरिया हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं बाबा आदम असलाम जन्नत में थे नाजो न्याम में थे

नफीजा निकल आया तिल कौमी निकाह करने वाले मर्द और, और औरत को अल्लाह ने अपनी नशानी बताया वो मिन ही अल्लाह रबाल की नशानियों में से क़ज़ीम नशानी ये निकाह का बंधन है क्यों तस्कुनू इलेहा ताकि तुम सुकून पाओ वह जाना व रहमा हमने इस निकाह के अंदर मोहब्बत का जरिया भी रखा है और रहमत का जरिया भी रखा है और अल्लाह ने फरमाया निशानियां हैं उस कौम के लिए जो कौम गौर व फिक्र से काम लेती तफक्कुर से काम लेती जरा सोचिए हम में से अक्सर निकाह किए हैं क्या हमारी निकाहों के बाद यानी हमारी असवाजी जिंदगी में खुशहाली आई है क्या हमें जैसे सुकून मिलना था वो हम सुकून मुयसर हैं क्या जैसी मोहब्बत हमें मिलने थी वो मोहब्बत हमें मिल रही है अगर मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा कीजिए अगर सुकून में कमी है मोहब्बत में कमी है मानो दौलत के एतबार से अभी भी परेशानियों में घेरे हुए समझ लेना चाहिए कि कहीं हम हमसे खता हुई है इसलिए अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत मैं पढ़ाऊं तो मेरी नहीं शेख अब्दुल वहाब साहब पढ़ाएं उनकी नहीं कोई भी आलिम दीन पढ़ाएं उनकी नहीं नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूल की सुन्नत और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया अन सुन्नती फलही सन्नी जो मेरी सुन्नत से एरास करेगा वो मेरी उम्मत का फर्द नहीं सुन्नत से एरास करने वाला उम्मत नबी नहीं वो नबी करीम उम्मत का फर्द नहीं निकाह नबी करीम की सुन्नत है लेकिन नबी करीम सल्लम ने जो ज़वाबित दिए थे कि आज वह ज़वाबित हमारे यहां है नबी करीम सलाम ने चार ऑप्शन जरूर दिए तुन की औरत के अंदर चार खसूसियात की बुनियाद पर निकाह किया जाएगा मालीहा दीन हा हसबी हा जमाली हा मालदारी दीनदारी फैमिली बैकग्राउंड खूबसूरती लेकिन प्यारे नबी ने आजाद नहीं छोड़ा नबी करीम वसल्लम ने हमारी और आपकी रहनुमाई फरमाई फर फर बेजाती दीन दीनदार औरत को तरजीह दो जहां दीनदार औरत मिल जाए फौरन अपने हाथों को गीले कर लो अल्लाह के नबी ने वार्निंग भी दिया जिसके अखलाक और दीन से तुम राजी हो जाओ इसके बावजूद अगर तुम शादी नहीं करोगे फितने फैल जाएंगे क्या नहीं फितने फैल रहे जी आज उम्मत का कौन सा तबका है जो फितरों का शिकार नहीं हत्या के हम कुरान और हदीस के दावेदार भी कुरान और हदीस के मतवाले भी रात दिन कुरान और हदीस का राग वाले भी, रात दिन कुरान और हदीस को डंके की चोट पर पेश करने वाले भी आज फितनों का शिकार हैं। अल्लाह व कराम के उस फरमान को जो आज से चौदह सौ साल पहले सूरह नूर की सेकंड लास्ट आए शरीफा में बतौर वार्निंग अल्लाह ने कहा फल यहादीना यु खालिफू अन फितना और युसी बहुम अदाबलीम उन लोगों को बच के रहना चाहिए जो जान बूझ कर सुन्नत रसूल सल्हुस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं किसी फितने का शिकार ना हो जाए या अजाब का से दो चार ना हो जाए आज फितनों का शिकार भी हैं अजाब से दो चार भी हैं है। सोचो मेरे भाई हम कुरान और हदीस के मत वाले निकाह सुन्नती निकाह नबी की सुन्नत लेकिन निकाह से पहले जिस चीजें होती है वो किसकी सुन्नतें हैं अल्लाह के नबी ने ऑप्शन दिया दीनदार देखो खत्म हो गया दीनदारी के बारे में मस्जिद के इमाम से उलामा से या वहां उस महल्ले के बुजुर्गों से तस्दीक ले लो कि भाई बच्चा कैसे हैं अल्लाह के नबी वसल्लम ने वाजे तौर पर कहा वन नाला दीन खलील ही लोग अपने दोस्तों के दीन से पहचाने जाते हैं फलया खाली हूं जिससे दोस्ती की जा रही है सोच समझ कर दोस्ती करें भी लड़का कैसा है लड़की कैसी है उसके बारे में तहकीक कर लें जहां दीनदारी मिल जाए फौरन ये कर दें अब निका इंतखाब के बाद लड़का लड़की देखना तो दरकिनार जिनको शरीयत ने इजाजत दिया माँ और बाप पहले देख लें माँ बाप से पहले ननियाल वाले ददियाल वाले मामू, खाला पूरे सब फिर बड़ी दावत खाना वरना हजम होने के बाद कहते नहीं सब कुछ ठीक था लेकिन पता नहीं फला को पसंद नहीं आया है ना सोचो अफसोस आज ये माशरे के अंदर चलन चल रहा है सारी चीजें होने के बाद कहीं पर ऐसा होता है सारी चीजें एग्री हैं लेकिन छोटी सी चीज पर अब बाज इलाकों के अंदर खैर हम तो सब तो हैं बाज मुशरिकों के इलाकों में सारी चीजें डिसाइड होती हैं होने के बाद कहते हैं आपके पीर कौन से हमारे पीर कौन से फिर पीरों का मुआजना होता है जैसे हमारे गुलबर्गा के इलाके में बंदे नवाज और दाउल मलिक कहते हैं दाउल मलिक और बंदे नवाज का हुआ ही नहीं है इसीलिए रिश्ता हमें मंजूर नहीं नौजबिल्ला ये सब किसने में यार दिया आ? ये सारी चीजें दीन को तरजीह दो दीनदार लड़कियां मिल जाए फौरन और निकाह के लिए वली बगैर वली के निकाह नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बगैर वली के जो निकाह होता है फ निकाह हराम फ निकाह हराम फ निकाह हराम बगैर वली हा या बेजनी वली हा निकाह हराम निकाह हराम फ निकाह हराम वली के बगैर जो निकाह होता है वो हराम है हराम है हराम है लेकिन आज क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है निकाह आसान बनाओ जिना मुश्किल हो जाए आज हम में से हर अकलमंद सोच सकता है क्या आसान है क्या मुश्किल है निकाह के लिए वली निकाह के लिए मेहर देने की ताकत नबी करीम जनाब मोहम्मद रसुल्लाम रिजवान की मजलिस में बैठे हुए एक औरत आती अपने आप को कहती या रसूल अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं अपने आप को आपके हवाले करना खामोश दूसरी दफे बारात दोबारा बारा खामोश प्यारे नबी फरमाते हैं सहाब कराम कहते के नबी आपसे निकाह करना चाहती है अल्लाह के नबी ने कहा मैं से निकाह नहीं करना चाहता मुझे जरूरत नहीं एक सहाबी ने कहा यह आप निका नहीं करना चाहते मैं करना चाहता हूँ प्यारे नबी ने फरमा ठीक है तेरे पास इसको देने के लिए क्या है सोचो अल्लाह के नबी शर्त लगा रहे इसको देने के लिए क्या है कहते अल्लाह के नबी कुछ नहीं है कहा जाके तलाश करो एक लोहे के सोने की अंगूठी का नहीं कहा चांदी की नहीं। का नहीं कहा लोहे की नहीं। का नहीं कहा बाबा निकाह करना चाहते और कुछ नहीं है क्या है फिर फला कुरान मजीद की फला फना, फना सूरत याद हैं सोचिए कितना आसान अंदाज से अल्लाह के नबी को देखो जो पैर नबी सफी के खास थे नाक के नकते थे रंग के काले थे आप सल्लाह के फिदाई और शायद थे इनसे निकाह के लिए अल्लाह के नबी सार के कबीले के सरदार के लड़की से निकाह के लिए इंतखा किया जब यह निकाह का पैगाम लेकर पहुंचे माँ बाप ने जाहिरी शक्ल सूरत देखा और कहा क्यों आए हो कहा नबी का पैगाम लेके आया हो कहा क्या पैगाम है कहा आपकी बच्ची से प्यारे नबी मेरा निकाह करना चाहते हैं जरा गौर कशमकश मकश मियाँ बीवी मशवरा करने लगे अंदर से बहुत नौजवान लड़की कहती है क्या मशवरा हो रहा है कहा बेटा तुम्हारे लिए पैगाम आया है कहा किसने लाया है कहा फना शख्स ने कहा पैगाम भेजने वाला कौन है कहा प्यारे वसल्लम तो कहा बाबूजी आप उस शख्स को मत देखो जो निकाह का पैगाम लाया है उस शख्स को देखो जिसने निकाह का पैगाम भेजा है जनाबे मोहम्मद रसुल्ला को अल्लाह अकबर जनेबीब का निकाह एक कबीले अंसार के लड़की से हैं. आज सोचो हमारे लिए क्या मुश्किल है निकाह से पहले एक बड़ा फंक्शन फिर उसके बाद, बाद जगह पर चांद सलामी और पता नहीं और क्या क्या रसूमात होते हैं उससे पहले फिर हालत ये होती है कि शुक्राना मिनी शादी फिर उसके बाद अब पता नहीं इस इलाके में हमारे बाज़ इलाकों में गुलबरगा वगैरह के इलाके में मुंह धुलाने के बासन के नाम पे पूरा नाश्ते का पूरा आइटम दुल्हे दुल्हे दुल्हन की तरफ से उसके बाद जुलवे की रस्म उसके बाद फिर कहीं अम्मा पूरी बाबा पूरी की रसम फिर पांच जुमा गया सात जुमा गया शादी की पहली डिलीवरी और इतने सारे और फिर पता नहीं वो जब औरत हालत हमल में होती है कुछ ऐसे खानदान की बूढ़िया होती हैं जो ये समझती हैं कि मां अब चांद दिखने वाला है तुम्हारे अबू को फोन करो चांद दिखने से पहले ये घर खाली कर दो इसलिए चांद दिखने वाला है वो कौन सा चांद है जो खानदान की बूढ़ियों को नजर आता है दूसरों को नजर नहीं आता नौजबिल्ला ये सारी हैं जिसकी वजह से आज निकाह है बड़ी मुश्किल हो गई सोचिए मेरे भाई सिर्फ निकाह है बाप मौजूद है वली चंद अफराद बैठ गए खत्म तकरीब होगी वली मश अल्लाह के नबी जना ने हाकिम बनाया ने कसम खाकर कहा फला वो रबी आपके रब की कसम है वो मोमिन हो नहीं सकते जो आपको अपने मामला में जज ना तस्लीम कर ले अल्लाह के नबी मौजूद हैं हजरत अब्दुलरम दस जन्नती साहबा में सहाबी का निकाह होता है खबर भी नहीं है दूसरे दिन कुछ आसार नजर आए अल्लाह के नबी ने पूछा क्या बात है कहा अल्लाह के नबी, अंसार के फला कबीले की लड़की से चंद नवाद के मेरा निकाह हुआ है अल्लाह के नबी नाराज ने क्या है मैं नबी हूं मुझे दावत नहीं दिया तुम्हारा दावत नामा नहीं, कुछ नहीं हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बारक अल्लाह व बारक عليك व जमा بينكما في خير अल्लाह के नबी ने, ने कहा उलिम बलव بشय अब्दुल रहमान ऐ अब्दुल रहमान अगर चाहे एक बकरा ही सही जबाह करके वलीमा कर दो सोचो मेरे भाई वलीमा शर्त है निकाह का खाना शर्त नहीं है निकाह से पहले शुक्राना शर्त नहीं है निकाह से पहले मुंह दुलाने के बासन शर्त नहीं है निकाह से पहले जो वो विदाती रसूमात वगैरह जो करते हैं अलहमदुल्ला हम तो पर असन नहीं करते हैं, वो सब शर्त नहीं है व, वलीमा शर्त है वलीमा दे दें हो गया कौन सी मुश्किल काम है उसके बाद बहुत और आज इस सिलसिले में हमारे यहां बहुत ज्यादा तसरुफात भाई दो सौ लोग आपके आए तो पांच सौ लोग हमारे ये हमारे एक हैं निकात निकाह नबी सुन, की सुन्नत लेकिन यहां पर सुन्नत के माने तरीका सुन्नत के माने तरीक़ा यहां पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत की आड़ में कहीं माँ बाप के तरीक़े कहीं माशरती तरीक़े कहीं बिरादरियों के तरीके ये सारी चीजें हमारे माशरे के अंदर आ गई जिसकी वजह से निकाह एक वबाल हो गया जबकि निकाह के लिए सारी चीज़ें शर्त नहीं हैं मेहर देने की ताकत है अलहद जिस्मानी ताकत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अल बा फलियतजवज ऐ नौजवानों तुम में से जो निकाह की ताकत रखता है बस चाहिए कि शादी कर दें फइन्नहु अगज़ु लिल बसर इसलिए कि ये निगाहों को झुकाएगा और शर्मगाहों को बचाएगा निकाह की ताकत है लेकिन नजरियात अरे मौलाना अभी बच्चा ग्रेजुएशन हो गया है अभी अब रोड जाना है अभी गल्फ में जाकर कमाना है और जितनी इसकी सैलरी बढ़ेगी इतना डिमांड बढ़ेगा मेरे भाई अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है अल्लाह ने कहा मर्द औरत पर हाकिम है। दो चार लाख रुपए में अपनी बेटे की हाकिमियत का जनाजा मत निकालो अपनी बेटे की मर्दानगी का सौदा मत करो क्यों आज जो कुछ लिया और दिया जा रहा है सब ऑनलाइन है अब जब दिया जाएगा ना एडवांस में सोचेगी बाप आकर कहेगा बेटा तेरे ससुराल वाले तो अच्छे मिले लेकिन एडवांस में ये सारी चीजें कर लिए यहां तक कि मुझे मकरूज होना पड़ा बेटा जरा देख ले आइंदा संभाल कर जिंदगी रखना क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है अब बेटी के सामने जब सारी बात आएगी सोचेगी अच्छा अच्छा अब उसके बाद माह दो माह साल दो साल गाड़ी अच्छी चलती है बाद में सास बाद में ससुर बाद में सारिशदार अरे मौलाना हमारी बेहू बहुत चंडाल है हमारा बेटा बे, बीवी का गुलाम बना हुआ है हमारी सुनता नहीं है वो बीवी के पीछे पड़ चुका है क्यों सुनेगा वो तुम्हारा बेटा है वो माशरे के अतबार से वो मैं, वो अपने बाप का ज, वो अपने ससुरे का जर खरीद गुलाम है दो लाख रुपए में पांच लाख रुपए में उसके जमीर का उसके ईमान का उसकी जवानी का सदा हो चुका है अब वो क्यों मानेगा अब वो क्यों मानेगी ज़्यादा जाद, कुछ बात आएगी अब तो मोदी सरकार का डंडा भी पड़ चुका है अब लो सीधे हवाले नौजबी बचो बचो नौजवानों इन सारे खबीसा से और माशरे को बचाओ सीधे इतना सीधा साधा जिसको कन्नड़ में कहते हैं ना निकाह पड़ी तगुन्नड़ी नड़ी निकाह पड़ी तगुन नड़ी इतना सीधा साधा ये जुलबे की रसम ये हजार दावत दो हजार दावतों को बुलाना ये शो पुटअप करना अरे अल्लाह ने मना किया इन कानु खुआ शयातीन फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, अपनी डिग्निटी के लिए अपनी झूठी शान के लिए अपनी अना के लिए लोगों के अंदर अपनी डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए नौजबिल्ला और लोग बहाना क्या है अल्लाह के नबी ने फातिमा को जहेज दिया पूछिए सारे बैठे हैं क्या फातिमा एक ही बेटी थी उम्मीद कुलसूम भी तो बेटी थी हजरत रुकैया भी तो बेटी थी हजरत ज़ैनब भी तो बेटी थी इनको क्यों निका इनको इनके जिक्र क्यों नहीं आता इनको अल्लाह के नबी ने जहेज़ क्यों नहीं दिया क्या प्यारे नबी वसलम ने ना इंसाफ़ी की ना उजबिल्ला उजबिल्ला ऐसा नहीं है मालूम है हज़रत अली रजी तुम बचपन से ही नबी करीम सल्ला वसलम के परवरदा थे नबी करीमल वसलम के साथ रहते थे और इनके बाप अबू तालिब मशरक थे और अब चूंकि नौजवानों की अल्लाह के नबी ने, अल्ला ने जो कुछ दिया था एक छागल एक मुश्कजा खजूर से भरी हुई पत्ती आ, खजूर की पत्ती से भरी हुआ भरा हुआ एक जो बिस्तर आपको दिया था इससे ज्यादा कुछ नहीं था वो अली रजी तुम के पास जो तलवार थी उस तलवार को उन्होंने बेच करके इनके लिए खरीदा था जानते हो ना हजरत अली का निकाह हुआ वलीमे के लिए कुछ नहीं था हजरत जबल आए कहने अल्लाह के नबी आपका दामाद अली मेरा दोस्त है अली मैं उसके हालात जिंदगी से आप भी वाकिफ हैं मैं भी वाकिफ हूं क्या मैं अपने भाई अली की तरफ से अगर वलीमा दे दू अब मैं मदद करूं तो क्या मुनासिब रहेगा अल्लाह के नबी ने इजाजत नहीं दिया आज दोस्त खाने वाले दोस्त नजर आएंगे माशरे के अंदर मसाइल खड़े वाले दोस्त नजर आएंगे अच्छी अच्छी डिशों पर बैठने वाले दोस्त नजर आएंगे लेकिन हजरत महाजिब ने जबल रजीलो जैसा कोई दोस्त नजर नहीं आएगा मेरा गरीब दोस्त मेरा नमाजी दोस्त मेरा तोहहीद परस दोस्त मेरा अल्लाह वाला बंदा दोस्त मेरे साथ पाँच टेम नमाजों में हाजिर होने वाला दोस्त यार बेचारा गुरबत की वजह से शादी करने से आजिज है उसकी बहन का मसला है चलो हम साथ ही मिल करके उसकी

हो चुका है या होने वाला है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम क्या मैं ऐसी औरत से? लेकिन बच्चे उससे नहीं है क्या ऐसी औरत से निकाह करूं? जिस औरत का मेरे पास आया हुआ है खूबसूरत है खूबसूरत है सारे वसाइल हैं लेकिन बच्चे देने की साकत नहीं है निकाह करूं अल्लाह के नबी नहीं दोबारा सहबारा फिर अल्लाह के नबी सया वलूद फैन मुकाफर उम अल्लाह के नबी ने फरमाया ज्यादा बच्चे जनने वाली ज्यादा मोहब्बत करने वाली से शादी करो अल्लाह अकबर मेरे भाइयों सोचो निकाह आसान कैसे होगा जब हम रस्व रिवाज के खिलाफ बगावत करेंगे सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे सुन्नत के मुताबिक दो चार लोग दस बीस लोग जितनी अल्लाह ने ताकत दिया है वलीमा करेंगे इन शाह उस निकाह के अंदर बरकत भी रहेगी और उस निकाह के अंदर अल्लाह की रहमत भी रहेगी लिहाजा माशरे के अंदर निकाह को आसान बनाना आज बहुत जरूरी है देख रहे हैं इसकी वजह से कई हमारे अच्छे अच्छे तालीम याफ्ता बच्चियाँ गैरों की नज़र हो रहे हैं आज लोगों ने एक फार्मूला ही गढ़ लिया है क्या फार्मूला है बेटी बचाओ बहू लाओ याने मेरी और आपकी बेटी को बेदीन बना करके के बहू बनाने के लिए दूसरी कौम तैयार है सोचो आज कितनी घनावनी साजिश चल रही है अगर माशरे के गीरतमंद नौजवान जिम्मेदारा ने उलमाए किराम आज की ससास मसले पर गौर करते हुए माशरे के अंदर जहेज की लानत के खातमे के खिलाफ सुन्नत नबी अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अहिया के लिए अगर हम नहीं करेंगे माशरा फितनों में मुबिला हो जाएगा और आज फितने फैल रहे हैं आज हमारी बै बै औरतें शह के नाम पर शादी के नाम पर रुके लेकर रोडों पर मार्केटों में मस्जिदों के दरवाजों पर भीख मांगने पे मजबूर हैं। क्या बात है कितनी शर्म की बात है मेरे भाइयों सोचो वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता कोई लंबी चौड़ी तकरीर की जाए लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक निकाह आसान करो निकाह के लिए दीन ज़रूरी है निकाह के लिए एजवाजी जिंदगी के बाद इंसाफ की ताकत रखना ये जरूरी है और बीवी के साथ निभाओ की शक्ल सूरत यह जरूरी है इन चीज़ों को फरोग दो माशरे के अंदर जो गैर जरूर रस्म व रिवाज हैं इनके खिलाफ ख़ुद भी खड़े हो जाओ और अपनी जमात को भी बिलखसूस सल्फी नौजवानों से मैं ये कहूँगा इस वक्त अगर सुन्नत के मुताबिक निकाह के लिए तैयार हो जाए ये वक्त का सबसे बड़ा मतलब के एक दावती काब होगा इसलिए कि हज़ारों बच्चियां हजारों नौजवान लड़कियां जहेज की ना देने की वजह से खूबसूरती खूबसूरती के बावजूद बैठी हुई है। हैं इन पर रहम करो अल्लाह का फरमान है मन फिल अर्ज़ एरम मन मनफी समा जमी वालों पर तुम रहम करो आसमान वाला तुम पे रहम करेगा अगर मैं और आप इन माशरे के हालात पर रहम करने के तैयार हो जाएंगे खड़े हो जाएंगे इन सुन्नत के मुताबिक आसान करने के लिए कोशिश करेंगे हा? वरना मरीज़ दवाई खाता नहीं नाम तबीब का बदनाम होता है मरीज़ दवाई खाता नहीं नाम तबीब का बदलाम होता है होते हैं मुसलमान के काम गलत इस्लाम बदलाम होता है आज हमारे आप करतूत की वजह से हमारे इस्लाम को लोग अलग रूप में पेश कर रहे हैं ऐसे वक्त में हम सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिया के लिए कमर बस्ता होने की कोशिश करें अल्लाह मुझे और आपको उसने अमल की तोफ़ी अता फ़रमाए अल्लाह ताला तुम्हेदारान को जमीत को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए अल्लाह ताला भाई शफ़ीक जिन्होंने एक महीना पहले इस बात का खाका पेश किया था कि बेंगलोर के अंदर एक का अच्छी कानफ्रेंस पेश करना है अल्लाह ताला उनके जज्बे सिद को कबूल फ़रमाए और उनके जुमला रफ़क़ा चाहे मस्जिद अबू ज़िम्मेदारान हो चाहे चार मीनार के हो चाहे शहरी जेमीत के ज़िम्मेदारान हो या सूबाई जमीत के ज़िम्मेदारान हो अल्लाह इन सब को जजाय खैरता फ़रमाए ताला इन सब के खिदमत जलीला को कबूल फरमाए रबना तक कबल मन्ना का अंतमिल वबालीना का तबरह बरहत के बबीन अलग